हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से पाउच बनाना। तो बड़े साइज़ का हम बनाने वाले हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने क्विल्टिंग कर ली है प्लास्टिक की बोरी के साथ। तो अगर आपको भी क्विल्टिंग करते समय प्रॉब्लम आती है या झोल आती है तो इस वीडियो को आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, मैंने इस पर भी एक वीडियो बना दी है। तो दोस्तों चलिए इसका मेजरमेंट बता देती हूँ आपको। तो इसकी लंबाई है कपड़े की 20 इंच, इसकी चौड़ाई है 15 इंच। ये देखिए, तो यहाँ पर हम बड़े साइज का पाउच बनाएंगे। तो सीधी साइड से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। अब फोल्ड साइड से हम निशान लगाएंगे 2 इंच पर। तो फोल्ड वाली साइड से मैं 2 इंच पर निशान लगा लूँगी और चौड़ाई में हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, अब इस निशान को हम इस निशान से मिला देंगे। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे। इसी तरीके से हमने 4 बॉक्स बना लिए यहाँ पर। अब इन बॉक्सेस की हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने 4 बॉक्सेस की यहाँ पर कटिंग कर ली है। इस तरीके से कुछ इसकी सेप आएगी। तो कपड़े को हम सीधी साइड से रखेंगे इस तरीके से। अब इसी के ही नाप की मैंने यहाँ पर एक जिप ली है। जिप को बीच में से हमने अलग कर लिया है इस तरीके से। तो जिप को हम उल्टी साइड से रखेंगे। दाने वाली साइड है वो हमारी कपड़े की सीधी साइड रहेगी। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे हम इस तरीके से। जिप को उल्टी साइड से रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। अब इसको पलट कर इस तरीके से ऊपर से टॉप सिलाई लगाएंगे तो ये जिप हमारी सीधी हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। तो एक साइड हमने जिप को स्टिच कर लिया है, दूसरी साइड भी इसी तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, दोनों साइड हमने जिप को स्टिच कर लिया है। अब यहाँ पर हम रनर ऐड कर लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं एक रनर ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो 2 भी कर सकते हो। ये देखिए, अब इसको पलट के हम बैक साइड से रखेंगे। तो मैंने इसको अच्छे से बराबर में रख लिया है। ये देखिए, अब दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम कवर करने के लिए यहाँ पर हमने 4 इंच की 2 पट्टी ली है, 2 इंच चौड़ी और 4 इंच लंबी। तो इसको मैं रफ़ एजेस के लिए यहाँ पर फिनिश कर दूँगी पाइपिंग से। देखिए, इस तरीके से आपको सिलाई लगानी है। पलट के अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर से टॉप सिलाई लगा लेंगे। तो इससे हमारे जो रफ़ एजेस हैं वो बाहर नहीं आएंगे और इससे बैग में फिनिशिंग भी आ जाएगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने दोनों साइड पाइपिंग कर ली है। अब कॉर्नर को इस तरीके से पकड़ेंगे, जो हमने पाइपिंग की है वो हमारी सेंटर में आनी चाहिए, बीच में। कॉर्नर को कॉर्नर से मिलाते हुए यहाँ पर हम पिनअप कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको पिनअप करना है। अब यहाँ पर 4 इंच की हमने स्ट्रैप ली है, इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड वाली साइड हम बैग के अंदर डालेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम पिनअप कर लेंगे। यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए, हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगानी है चारों कॉर्नर पे। स्ट्रैप को बीच में ही रखेंगे। ये देखिए, सेंटर में हमने स्ट्रैप को रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब इसको भी हम पाइपिंग से कवर कर लेंगे। तो पाइपिंग के लिए यहाँ पर मैंने 4 पट्टियाँ ली हैं, 2 इंच चौड़ी। इस तरीके से पट्टी को रखेंगे, अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे चारों कॉर्नर पे। तो ये देखिए, मैं आपको एक साइड सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। इस तरीके से आपको पाइपिंग करनी है यहाँ पर। ये देखिए, इस तरीके से आपको चारों कॉर्नर पे सिलाई लगा के पाइपिंग करनी है। तो ये देखिए, चारों कॉर्नर पे हमने पाइपिंग से इसको फिनिश कर लिया है। अब मैं इस बैग को आपको सीधा करके दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा सा हमारा बड़े साइज का पाउच बनके तैयार हो गया है दोस्तों।
केवल 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। तो आप इस पाउच का मेकअप किट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर छोटे छोटे बच्चों का जो सामान होता है छोटा छोटा वो इसमें आप रख सकते हैं। तो ये किसी भी तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारी सी बड़े साइज़ की हमारी यहाँ पर किट बनके तैयार है ये देखिए। तो उम्मीद करती हूँ ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।